हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आलू की जलेबी बनाऊंगा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलू की जलेबी बनाने के लिए हम ये देखें, दो गो आलू लिए हैं मीडियम साइज का। दो गो आलू लेना है मीडियम साइज का, जो कि मिक्सी में डालकर इसको पीस देना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको छील लेते हैं। ये देखिए आलू छिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, मिक्सी में इसको तोड़कर डाल देंगे। तो ये फ्रेंड देखिए किस प्रकार से इसको महीन कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मिक्सी को चालू कर दिया गया है। तो ये देखिए मेरा आलू देखिए किस प्रकार से महीन हो गया है। ये देखिए इसी प्रकार से मिक्सी में आलू को महीन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे, आलू की जलेबी को तैयार करने के लिए 150 ग्राम मैदा लेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ डलाता है मैं सारा इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 150 ग्राम मैदा डाल देंगे और टाइट सानेंगे। टाइट करने के मतलब मीडियम टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं, नहीं तो गिरेगा नहीं। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा और मैदा डालूँगा क्योंकि गीला हो गया था। ये देखिए 150 ग्राम मैदा डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दिया हूँ। तो ये है हाइड्रो पाउडर, जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध रहता है। तो हाइड्रो पाउडर के मैं इसको डाल रहा हूँ। ये देखिए अब इसमें सोडा पाउडर डालेंगे, जो कि खाने वाला सोडा है, ये उपलब्ध है किराना स्टोर में। तो ये भी थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसमें आलू जो हमने पीसा था मिक्सी में, उसी आलू को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, सारे को एक में मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इस प्रकार से हाथ से इसी प्रकार से मिक्स कर देना है। ये देखिए हो गया मिक्स। आलू को जब मिक्सी में पीसेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से महीन कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड अब इसको क्या करेंगे, 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट के छोड़ने के बाद ये अपने आप टूट जाएगा। ये देखिए चीनी का सिरुआ तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड चीनी का सिरुआ तैयार हो गया है। तो अब ये तेल को मैं चढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये 10 मिनट होने ही वाला है। 10 मिनट में तेल भी गर्म हो गया और ये भी 10 मिनट में टूट गया है। आलू कम पीसता हुआ था इसलिए दानेदार थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा और महीन होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जलेबी बन जाएगा। इसी कपड़े को छेद करके उसी में डाल देंगे जो जलेबी का मैदा तैयार किए हैं, आलू और मैदा को मिलाकर। तो ये देखिए फ्रेंड तेल भी गर्म हो गया है और ये देखिए फंस रहा है जो आलू था। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी फंसेगा, बार बार नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड जलेबी किस प्रकार से बनकर ये तैयार हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी तरीके से मैं जलेबी को बनाकर तैयार किया, आलू वाला जलेबी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जाता है जलेबी, जो कि आप भी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा किस प्रकार से कैसे कैसे करना है।
अपना क्या मटेरियल लगेगा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मेरा जलेबी जो है थोड़ा थोड़ा रंग में परिवर्तन कर रहा है और खर हो रहा है। आपको जितना खर चाहिए उतना देर तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड जलेबी बनकर तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे सिरुआ में डालेंगे। जो हमने सिरुआ बनाया था उसको भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गया तो ठंडा हो गया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड सिरुआ में हमने किस प्रकार से आलू की जलेबी को डाल दिया हूँ और इसको निकाल दूँगा। तो मेरा आलू की जलेबी बनकर तैयार ही हो गया है। बस ये देखिए फ्रेंड किस प्रकार से आलू की जलेबी लाइटकर और रसदार और मज़ेदार है। तो देखिए फ्रेंड किस प्रकार से मैंने आलू की जलेबी को तैयार किया। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा तो अगला रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी रेसिपी बनवाना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे।